पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में अभियुक्तों को सजा पर सुनवाई करते हुए एनआईए के विशेष न्यायाधीश गुरुवंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने चार आतंकवादियों इम्तियाज अली, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजीबुल्ला अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने घटना का रेयर ऑफ द रेयरस्ट माना है। फैसले में कहा है कि इन चारों आतंकवादियों को फांसी पर तब तक लटकाए रखा जाए जब तक इनकी मौत न हो जाए। अदालत ने इम्तियाज अंसारी पर 80,000 रुपये व हैदर अली, नुमान अंसारी व मोजीबुल्ला अंसारी पर 90,000 रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर 1 माह के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा आतंकी उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को आजीवन कारावास तथा 60,000 रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। अन्य अभियुक्त अहमद हुसैन को 10 साल की सजा और 10,000 रुपये आर्थिक जुर्माना, फिरोज असलम को 10 साल की सजा और इश्तिहार आलम को 7 साल की सजा और 10,000 रुपये आर्थिक दंड लगाया गया है। तेजस्वी ने लगातार हमले पर सीएम नीतीश ने कहा है कि हम पर अनाप शनाप बोलने से पब्लिसिटी मिलती है, इसलिए बोलते रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिसको जो मन में आता है बोलता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हम पर अनाप शनाप बोलने पर पब्लिसिटी मिलता है। बिहार की जनता मालिक है, यह सब देख रही है। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव पर कल जनता का फैसला आ जाएगा। वहीं देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब कोई यहां की बात तो नहीं न है, पूरे देश की बात है। यहां के बारे में कोई बात हो तब न। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतगणना शुरू। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा। बिहार विधानसभा के 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आज दोपहर तक आ जाएंगे। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर में मतगणना आज हो रहा है। दोनों ही सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के उम्मीदवारों के बीच सीधे मुकाबले के आसार हैं। मतगणना के शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे से आने लगेंगे। इसके पहले ही कुछ एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। यहां आप मतगणना से जुड़े हर अपडेट रियल टाइम हासिल कर सकेंगे। बिहार में दीपावली से पहले बदला मौसम का मिजाज। पटना केंद्र ने जारी किया पूर्वानुमान। बिहार में मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। दिन में तेज धूप और शाम में हल्की ठंडी का एहसास हो रहा है। सोमवार को पटना व इसके आसपास इलाकों में मौसम सामान्य रहा। वहीं प्रदेश के कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार में उत्तर पश्चिमी हवा, दक्षिण बिहार में पश्चिमी हवा के प्रभाव से पारे में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को पटना व उसके आसपास क्षेत्रों में के कुछ भागों में सुबह और दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। पटना समेत 4 शहरों में पटाखा फोड़ने और बेचने पर भी प्रतिबंध। प्रदूषण बढ़ने के कारण पटना, मुजफ्फरपुर, गया और हाजीपुर में पटाखा छोड़ना और बेचना प्रतिबंधित है। इन 4 शहर में पटाखा बेचने या फोड़ते पकड़े गए तो खैर नहीं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर ने कहा है कि दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने से हवा प्रदूषित हो सकती है। इसलिए पटना सहित प्रदेश के 4 शहरों में पटाखा बेचने और फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई गई है। नेशनल ग्रीन डिस्ट्रीब्यूटर के आदेश के अनुसार इन जिलों में पटाखा बिक्री के नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे, पुराने लाइसेंस को ही रद्द किया जाएगा। नीट का रिजल्ट जारी। मधुबनी के मोहम्मद जिया बिलाल स्टेट टॉपर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देर रात नीट यूजी 2021 का रिजल्ट जारी किया। आधिकारिक वेबसाइट पर रात के 11 बजे के बाद रिजल्ट का लिंक एक्टिव किया गया। इसके पहले विद्यार्थियों को और इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फाइनल आंसर की को जारी कर दिया गया। बिहार में मधुबनी के मोहम्मद जिया बिलाल स्टेट टॉपर बने। इनका रैंक ऑल इंडिया 19वां है। बिलाल को 720 में 715 अंक आए हैं। इसके बाद दर्श कस्तुब को 50वां रैंक और रमन बालाजी को 103 रैंक प्राप्त हुए हैं। धनतेरस पर आज धनवर्षा। पटना में 1500 टू व्हीलर व 1000 कार उतर सकती हैं सड़कों पे। इस साल धनतेरस के अवसर पर ज्वेलरी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स चारों ही सेगमेंट में धनवर्षा होने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक इस शुभ मौके पर देश भर में 15 टन तक सोने की बिक्री हो सकती है। पटना में धनतेरस पर्व को लेकर शहर के हर बड़े मार्केट और प्रतिष्ठान में ग्राहकों की चहल पहल रही। धनतेरस पर लोगों में जहां गाड़ियां खरीदने के लिए बुकिंग करा दी गई, वहीं ज्वेलरी बाजार में भी करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद है।